हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद नेहा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू जो कि पॉन्ड्स का है, और मैं इस मॉइस्चराइजर को पिछले कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ। तो विंटर सीजन आ गया है, तो ऐसे में ड्राई स्किन वाले हों या फिर ऑयली स्किन वाले हों, उन दोनों लोगों को एक अच्छे मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर हम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं तो उससे हमारी स्किन जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, स्किन का ग्लो चला जाता है, काफी रूखी स्किन हो जाती है हमारी। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताने वाली हूँ जो कि आपको सिर्फ इसे एक बार दिन में अप्लाई करना है और पूरे दिन आपके ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा और ये आपको सनरेज से भी बचाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्रीम कौन सी है। तो मैं बात कर रही हूँ पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर की, तो जो कि इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आती है। मुझे इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो इसका बॉक्स है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका कंटेनर जो है। तो और ये लाइट मॉइस्चराइजर है, इसमें इसे ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी चिपचिपापन महसूस नहीं होगा। क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो मुझे सिर्फ एक बार इस मॉइस्चराइजर को अपने फेस पर लगाना पड़ता है, उसके बाद मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। पूरे दिन मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और ऑयलीनेस तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपापन सा नहीं है। और इसे लगाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप मेकअप करना पसंद करते हैं तो इसे लगाने के बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप से स्किन भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके रखता है। तो चलिए अब आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। इसमें जो है विटामिन ई, विटामिन B3 और विटामिन सी है, और अमीनो एसिड जैसे कुछ पोषक तत्व भी हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन के लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ। और पॉन्ड्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है, काफी पुराना ब्रांड है, इसके बहुत से मॉइस्चराइजर आप लोगों ने यूज किए होंगे। तो इसका ये जो मॉइस्चराइजर है जो कि लाइट मॉइस्चराइजर है, इसमें ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो ऑयली जिनकी स्किन है वो बिना सोचे इस क्रीम को परचेस कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें ये आपकी स्किन को नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और काफी क्लीन बनाता है, और ये आपकी त्वचा की नमी को भी बरकरार रखता है। और इसमें SPF 15 होता है जो कि आपके सन जो कि सनरेज से प्रोटेक्शन करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। तो कुल मिला जुला के ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन से किसी भी टाइप की स्किन हो, सेंसिटिव स्किन वालों, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है ये, मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये हर टाइप की स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप विंटर सीजन के लिए कोई अच्छा सा क्रीम सर्च कर रहे हैं तो आप इस क्रीम को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे अपने स्किन के लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, और आप अपने और प्रोडक्ट्स में पैसे ना खर्च करके, वेस्ट ना करके आप इसे खरीदें और अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें विंटर सीजन में। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।